हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे यूके स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑप्ट करना चाहते हैं फॉर लंदन लोकेशन। बहुत सारे बच्चों की ड्रीम भी रहती है। एंड अगर हम पीआर पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर अगर हम जॉब्स की बात करें, लंदन कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू। अगर हम लोकेशंस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो है दो पार्ट पे डिवाइडेड है, इनर लंदन एंड आउटर लंदन पे। अगर हम लिविंग कॉस्ट की बात करें, नियर अबाउट 2000 3000 जो है पाउंड का आपका डिफरेंस पड़ता है इनर लंदन एंड आउटर लंदन पे। एजुकेशन स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आप इनर लंदन में या आउटर लंदन में से कोई कॉलेज ऑप्ट कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में 60% रिक्वायर्ड चाहिए होता है आपके एकेडमिक्स में। अगर हम आयल्स या पीटीई की बात करें, आयल्स पीटीई में आयल्स में मोस्टली आपका 6 ईच का रहता है एंड पीटीई 60 ओवरऑल पे आप ऑप्ट कर सकते हैं। एंड यूके की बहुत बड़ी एक खासियत है कि यहाँ पे आप एमओआई के बेस पे भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी आपके इंग्लिश में 60 या 70% का अलग क्राइटेरिया रह सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लौस्टरशायर, यूनिवर्सिटी ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स जैसे प्रेस्टिजियस एंड बहुत ही फेमस अच्छे इंस्टीट्यूशन लैंडमार्क के साथ डायरेक्टली टाई अप पे हैं। यू कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। प्रोग्राम्स आपको क्रिएटिव आर्ट्स के रिगार्डिंग, फाइन आर्ट्स के रिगार्डिंग, लिबरल आर्ट्स के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग मिल जाएंगे। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर एनी टेक और IT प्रोफाइल, यू कैन गो फॉर BSc प्रोफाइल्स। उसके साथ आपका जो है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोफाइल्स के लिए विथ मैथ्स विदाउट मैथ्स वाले ऑप्शन भी अवेलेबल है। हेल्थ साइंस के बच्चों के लिए BSc नर्सिंग, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी अवेलेबल है। अगर आप डॉक्टरेट या LLB प्रोफाइल के लिए जाना चाहते हैं, वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं फॉर यूके। अगर हम वेज रेट की बात करें, वो भी काफ़ी हाई रहती है। अगर हम ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, वो भी काफ़ी अच्छी इंडस्ट्रीज़ जो है यूके में आपको मिल जाएगी। अगर हम PR रिस्पेक्टिव की बात करें, करीब 70 to 72% का सक्सेस रेशियो रहता है अगर आपका प्रोफाइल अप टू द मार्क है और अगर आपने आपकी फंड्स जेन्युइन शो कराई है। फंड्स की बात कर लेते हैं, फंड्स यू विल रिक्वायर्ड अराउंड लाइक 25 to 28 lakhs, जिसमें से आपका जो फंड्स रहेगा उसी में से आप अपना फीस भी पे करा सकते हैं। अगर हम कैश की बात करें, कैश भी जो है वेरीफाई होके बहुत जल्दी आ जाता है। आजकल जो अगर हम वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें, दैट इज़ वेरी नाइस एंड बहुत ही जल्दी जो है आपको वीज़ा मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। अगर हम प्रोफाइल टू प्रोफाइल की बात करें, एज सच कोई भी कोर मेजर सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लैंडमार्क के पेज को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।